हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम फन टच ओएस 15 को हाइपर ओएस 2.0 के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करने वाले हैं। और फिर आप इस वीडियो के एंड में मुझे बताना कि आपको कौन सा ओएस बेटर लगा और क्यों। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करें इस कंपैरिजन की, जिसमें सबसे पहला कंपैरिजन है अबाउट फोन लेआउट, और ये HyperOS 2.0 में कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जहां टॉप पे ग्रेडिएंट बैकग्राउंड के साथ OS वर्जन और नीचे आपको सब सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। वहीं फन टच OS 15 में भी हमें टॉप पे वाइट बैकग्राउंड के साथ OS वर्जन और नीचे में सब सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, बट जो टॉप पार्ट है वो बॉक्स में देखने को मिलेंगे, और ये दिखने में थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू HyperOS 2.0। नेक्स्ट बात करें दोनों ओएस के सेटिंग मेनू की, तो यहाँ पे फन टच ओएस 15 में कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जिसमें सेटिंग ग्रुप के साथ आइकन्स कलर्ड देखने को मिलेंगे। वहीं HyperOS 2.0 में भी सेटिंग्स ग्रुप के साथ आइकन्स कलर्ड देखने को मिलते हैं, बट जो आइकन्स हैं वो बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन लेआउट के तरफ, तो वो हमें फन टच ओएस 15 में कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जहां पे वॉलपेपर्स, कलर एंड स्टाइल्स, विजिट्स और होम स्क्रीन की सेटिंग देखने को मिलेंगी, प्लस स्क्वायर बॉक्स भी देखने को मिलते हैं कि और आप इनमें कितने एप्स ऐड कर सकते हो। वहीं HyperOS 2.0 में कुछ ऐसी देखने को मिलती है, जहां पे वॉलपेपर्स, विजिट और होम स्क्रीन की सेटिंग देखने को मिलेंगी, प्लस यहां पे भी स्क्वायर बॉक्स देखने को मिलेंगे कि और आप कितने एप्स ऐड कर सकते हैं। वहीं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करें, तो फन टच ओएस 15 में विजिट्स प्लस आइकन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि HyperOS 2.0 में होम स्क्रीन पे विजिट्स तो यूज कर सकते हैं, बट आइकन्स को कस्टमाइज करने के लिए हमें थीम ही यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो फन टच ओएस 15 में कुछ ऐसी लेआउट देखने को मिलेगी, जहां पे आइकन्स राउंड प्लस स्क्वायर शेप के साथ हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेंगे, प्लस म्यूजिक का शॉर्टकट हमें नीचे देखने को मिलता है। वहीं HyperOS 2.0 में कुछ ऐसी लेआउट देखने को मिलेगी, जहां पे आइकन्स राउंड प्लस स्क्वायर शेप के साथ वर्टिकली देखने को मिलेंगे, वहीं म्यूजिक का शॉर्टकट हमें मिडिल में देखने को मिल जाएगा। वहीं इसमें एडिशनल फीचर्स की बात करें, तो फन टच ओएस 15 में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जबकि HyperOS 2.0 में म्यूजिक का शॉर्टकट, वॉल्यूम बार प्लस ब्राइटनेस में कुछ ऐसी विंडो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं एफ इन्फो लेआउट के तरफ, तो यहाँ पे फन टच ओएस 15 में हमें एंड्रॉइड स्टाइल में एप इन्फो देखने को मिलेगी, जो कि दिखने में सिंपल सी है, बट HyperOS 2.0 की बात करें तो हमें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगती है। नेक्स्ट बात करें दोनों ओएस के विजिट की, तो फन टच ओएस 15 में काफी लिमिटेड स्टॉक विजिट्स देखने को मिलते हैं, बट हाँ, कुछ एप्स के विजिट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं HyperOS 2.0 की बात करें, तो इसमें भी हमें लिमिटेड स्टॉक विजिट्स देखने को मिलेंगे, बट वो थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फन टच ओएस 15। साथ में यहाँ पे भी हमें कुछ एप्स के विजिट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें, तो वो है लॉक स्क्रीन, जहां पे फन टच ओएस 15 का लॉक स्क्रीन काफी सिंपल देखने को मिलेगा, जहां पे लॉक स्क्रीन पे टैप करने पे कोई भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट इसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन हमें सेटिंग मेनू के लॉक स्क्रीन के सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पे आप एक सिग्नेचर, क्लॉक लेआउट, क्लॉक फॉन्ट और डेप्थ को कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं HyperOS 2.0 पे आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पे टैप करके कस्टमाइज कर सकते हैं, जहां पे काफी सारे लॉक स्क्रीन के लेआउट्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आप क्लॉक के लेआउट्स, फॉन्ट, कलर और डेप्थ इफेक्ट को कस्टमाइज कर पाएंगे।
नेक्स्ट बात करें दोनों ओएस के वॉलपेपर अप्लाई लेआउट की, तो वो फन टच ओएस 15 में टिपिकल एंड्रॉइड स्टाइल में देखने को मिलेगा, बट हाइपर ओएस 2.0 में हमें कुछ ऐसा लेआउट में देखने को मिलता है जहां पे वॉलपेपर के प्रीव्यू के साथ कुछ लॉक स्क्रीन के इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो वो है साइड टूल बार, और वो फन टच ओएस 15 में कुछ ऐसी एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगी जहां पे आइकन्स बड़े साइज में देखने को मिलते हैं, प्लस नीचे में प्लस आइकन पे टैप करके आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं। वहीं हाइपर ओएस 2.0 में कुछ ऐसी एनिमेशन के साथ देखने को मिलेगी जहां पे आइकन्स छोटे देखने को मिलेंगे एस कम्पेयर टू फन टच ओएस 15, प्लस यहां पे भी नीचे पे आप प्लस आइकन पे टैप करके आइकन्स ऐड कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपैरिजन की बात करें तो वो है फ्लोटिंग विंडो, और ये फन टच ओएस 15 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे आप साइड टूल बार से ओपन कर सकते हैं, और इसके साइज के साथ आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हो। वहीं हाइपर ओएस 2.0 में आप दो तरीके से इसे ऑन कर सकते हैं, एक तो है टास्क बार, दूसरा आप साइड टूल बार से भी ओपन कर सकते हैं, और इसे भी आप कहीं भी प्लेस कर पाएंगे। वैसे पता नहीं क्यों इसकी साइज फिलहाल छोटी नहीं हो रही है। खैर, ये थी फन टच ओएस 15 वर्सेस हाइपर ओएस 2.0 के कुछ फीचर्स के साइड बाय साइड कंपैरिजन। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सी ओएस बेटर लगी और क्यों। तो फिर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।